हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉर्डर प्रीमियर लीग का आयोजन प्रेरणादायक लोकबंधु तालसर विजेता और जान पालिया बना उपविजेता। सीमांत बाड़मेर के कई खेल प्रतिभाओं ने बॉर्डर क्षेत्र से निकलकर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। बीएसएफ ने बॉर्डर वासियों के साथ मिलकर बॉर्डर प्रीमियर लीग का जो आयोजन किया है वो प्रेरणादायक है। ऐसे योजनाओं से ही खेल प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। हम बीएसएफ के साथ मिलकर ऐसे आयोजन समय समय पर करवाते रहेंगे। जिला कलेक्टर प्रशासन के सहयोग से तालसर में ग्रामीण प्रतिभाओं का प्रोत्साहन करने के लिए स्टेडियम निर्माण का भी सफल प्रयास किया जाएगा। उत्तर द्वार जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बीएसएफ की 83वीं वाहिनी और सीमावर्ती क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के संयुक्त तत्वावधान में तालसर में आयोजित 5 दिवसीय बॉर्डर प्रीमियर लीग के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। 83वीं वाहिनी के कमांडेंट MP सिंह ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र की जनता और बीएसएफ के बीच मधुर सामंजस्य स्थापित करने और बॉर्डर क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं का तराशने के लिए तालसर में आयोजित हुए बॉर्डर प्रीमियर लीग में बॉर्डर क्षेत्र की 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें तालसर ने जान पालियों को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। इस दौरान संबोधित करते हुए DIG विनीत शर्मा ने कहा कि बॉर्डर वासियों के साथ मिलकर बीएसएफ का ये आयोजन टीम भावना और प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए यादगार साबित हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बॉर्डर प्रीमियर लीग का आयोजन काबिले तारीफ है। इस दौरान थार के बीच संस्थान के संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह और CEO जिला परिषद मोहन दान रत्नों ने भी संबोधित किया। इस दौरान तालसर सरपंच मलूक चौहान ने सभी अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। तालसर ने जीता खिताब अमजद बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तालसर सरपंच मलूक चौहान ने बताया कि बॉर्डर प्रीमियर लीग का 5 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें 16 टीमों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें फाइनल मुकाबला तालसर और जान पालिया के मध्य खेला गया, जिसमें पहले खेलते हुए जान पालिया ने निर्धारित 10 ओवर में 110 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए तालसर की टीम ने मैन ऑफ द मैच तेजपाल की शानदार 47 रनों की बदौलत 7 विकेट से जीत कर खिताब अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अमजद खान को ओम श्री स्पोर्ट्स की तरफ से दिया गया है। इस दौरान विजेता टीम को 21,000 की नगद राशि, साता सरपंच तेजतान और उपविजेता टीम को बामनिया ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से 11,000 की नगद राशि प्रदान की गई। साथ ही विजेता और उपविजेता टीम को 83 वाहिनी की तरफ से 31,000 की कीमत का क्रिकेट किट, ट्रैकसू ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए। इस दौरान तालसर विद्यालय को क्रिकेट और खेल कूद की सामग्री भी 83 वाहिनी द्वारा प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश को भेंट की गई। ये रहे मौजूद। इस दौरान द्वितीय कमान अधिकारी अनिल यादव, डिप्टी कमांडेंट कमल सागर शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर वसुंधरा यादव, सीमांजन कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष मोतीराम हेगड़े, नवातला सरपंच भारथा राम, भलगांव सरपंच विरधा राम, हातला सरपंच अगनलाल परिहार, भाकासर सरपंच अशोक बामनिया, जान पालिया सरपंच कासम खान, सारला सरपंच मोहन सेव, जाटो का बेरा सरपंच नारायण राम, चंद्र प्रकाश कोड़ेचा, भारू राम गुमान सिंह जाली, उगम द्रुविड़ सहित आसपास के सैकड़ों प्रबुद्ध जन, खेल प्रेमी और खिलाड़ी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सीमांजन कल्याण समिति के प्रचार प्रमुख रघुवीर सिंह तामलौर ने किया। वहीं धन्यवाद द्वितीय कमान अधिकारी दिनेश कुमार ने व्यक्त किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।